अब देखिए कि चैनिंग के हिसाब से जो चैन जो होता है वह दो टाइप का होता है, एक फिजिकल चैन होता है, दूसरा केमिकल चैन होता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चेंज, चेंज कहने का मतलब जो है कि या तो विथ प्रॉपर्टी या विदाउट प्रॉपर्टी, जब ऑब्जेक्ट जो है वह कन्वर्ट हो जाता है दूसरे तरह में, एक तरीका जो है दूसरे तरीका में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक फेनोमेनन जो है दूसरे फेनोमेनन में अगर चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या, वह कन्वर्ट हो जाता है, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंजिंग बोलते हैं, यानी कि कह सकते हैं चेंज। चेंज का डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि प्रोसेस इन विच अ फेनोमेनन कन्वर्ट इंटू अनदर फेनोमेनन इज कॉल्ड चेंज। तो वह क्या कहलाएगा, चेंज कहलाएगा, एक फेनोमेनन जो है वह कन्वर्ट हो जाए दूसरे फेनोमेनन के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वह आपका चेंज कहलाएगा। यह जो होता है दो टाइप का होता है, यहां यानी लिख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज। ठीक है, फर्स्ट नंबर हम लोग कह सकते हैं फिजिकल चेंज एंड सेकेंड टाइप हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज। याद रखिएगा, दो टाइप का, एक फिजिकल चेंज होगा दूसरा केमिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज किसको बोलेंगे, जिसमें न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी, यानी कि नए प्रॉपर्टी के साथ जो न्यू सब्सटेंस जो होता है उसका फॉर्मेशन नहीं होता, वो फिजिकल चेंज। एक दूसरा इस तरह से भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर, यानी कि इनर्जी का रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स इमिटेशन ऑफ इनर्जी या एब्जॉर्प्शन ऑफ इनर्जी, इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो फिजिकल चेंज। ठीक है, तो ये क्या चीज हम लोग देख रहे हैं। और केमिकल चेंज में क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी, वह क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, तो वह केमिकल चेंज हो जाएगा। एक इनर्जी का रिक्वायरनेस हो रहा, यानी कि एब्जॉर्प्शन या इमिटेशन ऑफ एनर्जी अगर हो रहा तो केमिकल चेंज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को पहचान सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम लोग चलेंगे फिजिकल चेंज। अ चेंज इज सेड टू बी फिजिकल चेंज इन विच, जिसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी डज नॉट फॉर्म, जिसमें क्या होता है कि नया सब्सटेंस जो होता है नए प्रॉपर्टी के साथ वह फॉर्म नहीं होता है। जैसे हम लोग लकड़ी का टुकड़ा लिए, ठीक है, उसको काट वाट के पलंग बना लिए, कुर्सी बना लिए, टेबल बना लिए, तो जो लकड़ी का प्रॉपर्टी है वही टेबल कुर्सी का भी प्रॉपर्टी होगा, उसमें चेंजिंग नहीं आया, यानी प्रॉपर्टी नया चीज नहीं बना, केवल उसका रूप चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इन अदर वर्ड्स
इन अदर वर्ड्स अगर एफ का एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है फॉर चेंजिंग चेंजिंग के लिए तो फिजिकल चार्ज यानी कि इफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग चेंजिंग इज कॉल्ड फिजिकल चेंज यानी कि अगर एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है चेंजिंग के लिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे फिजिकल चेंज बोलेंगे इसका एग्जांपल ठीक है मेकिंग ऑफ चेयर एग्जांपल देखिए मेकिंग ऑफ चेयर ठीक है फ्रॉम वुड मेकिंग ऑफ चेयर फ्रॉम आपका वुड ठीक है मेकिंग ऑफ आइस फ्रॉम वाटर यानी आइस का फॉर्मेशन आपका किससे वाटर से ठीक है तो यह सारा जो है वह फिजिकल चेंज कहलाता है एक्सेट्रा यहाँ पे एक मिस्टेक है क्या है वो इज नॉट होगा इफ एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड अगर रिक्वायर्ड नहीं होता है तो वो क्या होगा फिजिकल चेंज होगा तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका कुछ प्रॉपर्टी देख सकते हैं सबसे पहले कि फिजिकल चेंज जो है वह होता क्या क्या है इसमें क्या क्या आएगा ठीक है तो इसका कुछ फैक्टर देखेंगे कि कौन कौन आपका फिजिकल चेंज है और कौन कौन आपका फिजिकल चेंज नहीं है तो यह याद रखिएगा कि फैक्ट अबाउट फिजिकल चेंज यहां पे लिखिएगा कि देयर आर फॉलोइंग एक्टिविटी आर केमिकल फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज जैसे फिजिकल चेंज में आपका स्टेट में अगर चेंजिंग होता है तो वह फिजिकल चेंज होता है चेंजिंग इन स्टेट स्टेट में अगर चेंजिंग होता है तो वह क्या कौन सा चेंजिंग फिजिकल चेंजिंग होगा हमेशा याद रखिएगा ठीक है अगर शेप साइज में आपका चेंजिंग होता है शेप में चेंजिंग अगर होता है चेंजिंग इन शेप ठीक है और या चेंजिंग इन शेप अगर शेप में केवल चेंजिंग हो गया तो वह क्या हो जाएगा फिजिकल चेंज ही होगा सी नंबर आपका की अगर शेप और साइज ठीक है शेप या साइज में अगर चेंजिंग होता है तो वह कौन सा चेंजिंग होगा फिजिकल चेंज होगा अब एक चीज देखिए चेंजिंग इन कलर एक चीज याद रखिएगा चेंजिंग इन कलर जो है वह एज वेल एज फिजिकल एज वेल एज केमिकल बहुत दोनों चेंजिंग हो सकता है तो यहां पे लिख लेंगे कि फिजिकल एज वेल एज केमिकल
ठीक है, या फिजिकल के साथ साथ केमिकल भी होता है। तो यह हमेशा याद रखिएगा, चेंजिंग स्टेट जो होता है वह फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। शेप साइज में चेंजिंग जो होता है, जैसे लकड़ी का एक जो टुकड़ा था गोल ऐसा, उसको हम लोग काट के तख्ता बना दिए, पट्टी बनाए, उस पट्टी से क्या किए हम लोग चौकी बना दिए। देखो शेप साइज उसका क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं शेप साइज में चेंजिंग होता है तो वह कौन सा चेंजिंग होगा, फिजिकल चेंजिंग कहलाएगा। कलर में अगर चेंज होता है तो वह भी आपका फिजिकल चेंज होता है, लेकिन वहाँ कुछ जो है वह केमिकल चेंजिंग में भी कलर में भी चेंज आपका हो जाता है। कि अब हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो है, सेकेंड नंबर जो है वह आपका केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज किसको बोलेंगे, एक चेंज जो है वह केमिकल चेंज कहलाएगा जिसमें न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी का क्या हो, फॉर्मेशन होता हो, एक चीज। दूसरा हम लोग कह सकते हैं इनर्जी का अगर रिक्वायरमेंट होता है इन द सेंस ऑफ इमिटेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इमिटेशन ऑफ एंड एब्जॉर्प्शन जो होता है वह आपका केमिकल चेंज होता है। जैसे एक एग्जाम्पल, एक चीज मेरे माइंड में आया, अब लोग बढ़ई को देखते हो जो काठ वगैरह का सामान, लकड़ी का सामान जो बनाता है, ठीक है, कि वह जब लकड़ी का सामान बनाता है तो देखते होगे कि पसीना पसीना हो जाता है गर्मी की वजह से, ठीक है, ठंडी में भी उसको पसीना चल जाता है। तो अब आप लोग का एक क्वेश्चन हो सकता है कि अभी जस्ट मैंने बोला कि नो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग, फिजिकल चेंजिंग, कि फिजिकल चेंजिंग में कोई भी प्रकार का एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। यहाँ पे वह बरही जो है वह पसीने से लथपथ हो गया, अगर उसके पास एनर्जी नहीं होता, एनर्जी का इमिटेशन हो रहा तब तो वह पसीने से लथपथ हो रहा है। तो हाउ कैन टू से, यहाँ पे यह याद रखेगा, लकड़ी, वह लकड़ी जो है एनर्जी को ना एब्जॉर्ब कर रहा है ना ही इमिट कर रहा है। लकड़ी को बनाने वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वह तो कैटलिस्ट है, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी लकड़ी से है। अगर वह लकड़ी, लकड़ी से चेयर बनाते और उस लकड़ी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता तो वह आपका फिजिकल चेंज ना होके केमिकल चेंज होता। अब जो है केमिकल चेंज में हम लोग याद रखेंगे कि अ चेंज इज सेड टू बी, सेड टू बी केमिकल चेंज, केमिकल चेंज इन विच, जिसमें अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी is formed. In other words, अब एक चीज देखिए, अभी जस्ट मैंने जो बोला कि चेंज जो है वह क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज कहलाएगा जिसमें नया सब्सटेंस जो है नए प्रॉपर्टी के साथ वह क्या हो जाए, फॉर्म हो जाए, तो उसको हम लोग केमिकल चेंज कह सकते हैं। दूसरे अर्थ हम एनर्जी के सेंस में, इन अदर वर्ड्स एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द सेंस ऑफ इमिटेशन और एब्जॉर्प्शन, या तो इमिटेशन या तो एब्जॉर्प्शन ऑफ इनर्जी। Is called chemical change. जैसे एग्जाम्पल के लिए, कि जैसे देखिए H2 plus O2
या आपका twice H2O या फ्यूल, इस फ्यूल को जलाने वाला या फ्यूल वा आग को बुझाने वाला, यानी इसमें आग लगने वाला या आग को लगाने वाला या आग को बुझाने वाला, देख रहे हैं क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, नया प्रॉपर्टी वाला। इसमें भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों का प्रॉपर्टी होना चाहिए, जबकि दोनों के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी वाला यह बन गया। तो न्यू प्रॉपर्टी वाला जो सब्सटेंस बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। इस रिएक्शन के दरमियान भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, कुछ ना कुछ हीट का प्रोडक्शन होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो एक्चुअली कुछ फैक्ट जो है हम लोग इसमें याद रखेंगे कि अगर न्यू सब्सटेंस बन रहा है तो वह केमिकल चेंज हो रहा है, वह आपका केमिकल चेंज हो रहा है। टेम्परेचर में चेंजिंग आ रहा है तो केमिकल चेंज हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का अगर इवोल्यूशन हो रहा है तो वह केमिकल चेंज है। तो सम फैक्ट अबाउट केमिकल चेंज। फर्स्ट नंबर हम लोग ले लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का जो है इवोल्यूशन होता है, जैसे एग्जांपल के लिए CaCO3 प्लस H2O, तो यह आपका गिव CaO प्लस आपका CO2, या देखो प्लस आपका H2, सॉरी गड़बड़ हो गया, CaOH2 प्लस CO2, तो CO2 आपका ऊपर चला गया, ठीक है। जैसे Zn प्लस H2SO4, या आपका ZnSO4 प्लस H2 या H2 गैस है, तो यह इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। सेकेंड नंबर हम लोग जो देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर कि टेम्परेचर में भी चेंजिंग आ सकता है। तो हम लोग थर्ड नंबर जो देखेंगे चेंज इन कलर, कलर में भी चेंजिंग आ सकता है, यह याद रखिएगा कि इसमें कलर में भी चेंजिंग आ सकता है। चेंज इन स्टेट, कि स्टेट में भी चेंजिंग आपका आ सकता है, इसमें क्या होता है कि स्टेट में भी आपका चेंजिंग आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं, गाद समझते हो जी, जो नीचे बैठ जाता है वही प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन आपका हो जाता है। तो यह सारा एक्टिविटी केमिकल चेंजिंग जब भी होता है तो यह सारा एक्टिविटी वहां पे अकर होता है। इस सबके बारे में डीप में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे।